को पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे सौरभ गांगुली। हाल में ही अमित शाह और सौरभ गांगुली के बीच कोलकाता के एक होटल के कमरे में 2 घंटे तक बातचीत हुई। कोलकाता की स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली 7 मार्च को कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में होने जा रही पीएम मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि पीएम की उपस्थिति में गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब तक ना तो बीजेपी ना ही सौरभ गांगुली की तरफ से कोई सहमति व्यक्त की गई। कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सौरभ गांगुली को बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। इन अटकलों के बीच पीएम मोदी की रैली में गांगुली की उपस्थिति पर सबकी खास निगाहें रहेंगी। 24 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन के वक्त ही सौरभ गांगुली ने कुछ कुछ इशारा दे दिया था। 24 फरवरी को गांगुली ने अहमदाबाद के मोटरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए मोदी सरकार की सराहना की थी। इससे पहले गांगुली की पत्नी डोना को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में परफॉर्म करते हुए देखा गया था। डोना गांगुली क्लासिकल डांसर है। Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।